नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिल्वी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कल देर रात की घटना है जब दमोह के भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल को देर रात जाना पड़ा थाने। जी हां, देर रात एक भाजपा के कार्यकर्ता का फोन आने से दमोह के भाजपा प्रत्याशी के मन में संदेह हुआ। तुरंत कार्यकर्ता से बात करने पर पता चला कि पुलिस उसे उसके खेत से जबरन उठा लाई है। जब मामले के बारे में भाजपा प्रत्याशी से जानकारी ली तो पता चला कि पुलिस बेवजह भाजपा के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रही है कि वो क्षेत्र में दारू और पैसे बंटवा रहे हैं, जबकि भाजपा कार्यकर्ता की माने तो वो अपने खेत में था और गाड़ी भी खेत में खड़ी थी। ऐसी परिस्थिति में भाजपा के प्रत्याशी प्रहलाद पटेल अपने कार्यकर्ता के लिए रात में 2 बजे दमोह के तेंदुखेड़ा थाना पहुंच गए और DSP को जमकर फटकार लगाई और कहा कि पुलिस कांग्रेस के एजेंट बनकर काम कर रही है। ऐसी घटना लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। तो मुझे लगता है कि ये इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और जैसा हमारे अध्यक्ष यहाँ बता रहे हैं, यहाँ खुद कांग्रेस के उम्मीदवार 20 गाड़ियाँ लेकर घूमते रहे और पुलिस मुँह ताकती रही, इसका मतलब है कि पुलिस कांग्रेस के लिए काम कर रही है। यहाँ थाने में क्या हुआ? नहीं, थाने में जब मुकदमा, भाई लीगल तरीका यह कि आपने अगर पंचनामा बनाया है, कोई गिरफ्तारी की है, कोई मुकदमा बनाया है, कोई अपराध किया है, तो आपको बताना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि हम जाँच कर रहे थे खाली तहकीकात के लिए। रात के 2 बजे कोई तरीका नहीं होता, ये प्रैक्टिस कतई कानूनी नहीं है। अगर पंचनामा बनाना है तो आपको पंचनामा बनाना चाहिए कि भाई कोई चीज़ मिली है या नहीं मिली। तो ये तो नहीं तो आप लाकर यहाँ पर शराब रख दो या गांजा रख दो तो मर जाएगा कार्यकर्ता। तब मुझे अचानक आना पड़ा। आपको लगता है दबाव में काम चल रहा है? पूरी तरह से सरकारी दबाव में है और ये सारा तमाशा अधिकांश मैं कल से देख रहा हूँ। ये जबेरा विधानसभा में है और ये लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक। ये शिकायत हुई थी कि ये संतोष सिंह हैं जो ये पैसे बांट रही हैं, गाड़ियाँ घूम रही हैं। ये सूचना आई थी और उस सूचना के आधार पर पुलिस पार्टी जो थी चेक किया गया था और तस्दीक कर रहे थे, वेरीफाइड कर रहे थे उस चीज़ को क्या है। फिर यहाँ क्यों आना पड़ा प्रत्याशी को? नहीं, अब उनके कैंडिडेट उनके कार्यकर्ता हैं, इसलिए मान्य आए, उनका क्षेत्र है। तो उनका तो आरोप है कि वो आपके खिलाफ FIR दर्ज कराना चाह रहे हैं। ठीक है, मानने का है जो, ठीक है। उनका आरोप है कि बेवजह कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा है। ये गलत है। बाकी जो सूचना आई थी, इन्फॉर्मेशन आई थी, तस्दीक की गई है, वेरीफाइड किया गया, कोई गलत कार्रवाई नहीं की गई है। सांसद जी तो कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता तो जबरन आप लोग परेशान। नहीं, बिल्कुल गलत। अभी क्या कार्रवाई की उसके बाद? अभी हम लोग वेरीफाइड कर रहे हैं उस चीज़ को। जो पकड़े गए थे लोग छोड़ा उनको या पकड़े? नहीं, अभी हम लोगों ने वेरीफाइड किया है, किसी को अरेस्ट वगैरह नहीं किया है। दमोह से ब्यूरो रिपोर्ट।